गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज कुंवर वीरभद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग वीरभद्र वेपन क्लास एंड आउटडोर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को नहीं पता है एक्चुअली, मैंने एक एयर राइफल पीसीपी खरीदी थी पिछले कुछ दिनों पहले, जो कि गेयर की GM10 XS नई मॉडल है इसका है। सो जनरली आई डोंट डू अनबॉक्सिंग वीडियोस, बट सिंस पार्सल मुझे मिला कल, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना दी जाए। सबसे पहले कोई भी पार्सल अगर आपके पास है तो आपको देख लेना चाहिए कि कहीं वो कहीं से खुला या डैमेज तो नहीं है एक्सटर्नली, ठीक है। तो अभी बाहर से पैकिंग जो है बिल्कुल इंटैक्ट लग रही है, और ये उसके कुरियर के डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें हैं। बोरिंग काम है अनबॉक्सिंग करना। पैकिंग इज वेरी गुड, आई मस्ट से दिस, पैकिंग इज वेरी गुड। आपको पता है ये गियर के राइफल्स है, दे आर बीइंग मेड इन बैंगलोर, सो ऑल द वे अप टू बिहार सब कुछ ठीक है। ऑलमोस्ट 2000 प्लस किलोमीटर। सो आफ्टर रिमूविंग द फ्रंट द एक्सटर्नल कवर यू गेट समथिंग लाइक दिस, गांडीवा एडवांस रिसर्च इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड द शॉर्ट फॉर्म इज गेयर। दिस इज अ न्यू मॉडल एक्चुअली, इट हैज बीन सॉफ्ट लॉन्च एंड ये इसमें क्या अलग है GM10 से ये मैं आपको बताऊंगा अभी बोलूंगा। तो नाइस कार्डबोर्ड पैकिंग एंड द गन इज, दिस इज द राइट वे, सब कुछ प्रिंटेड है इस पे, कंपनी हाई परफॉर्मेंस एवरीथिंग। और ये है कुछ वार्निंग, ठीक है, हाउ यू शुड हैंडल योर एयर गन एंड व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन यू मस्ट टेक। व्हाट इज दिस, बॉर्न टू शूट, आई हैव टू सी दैट, ये स्टिकर ही क्या है। उसके बाद ये स्पेसिफिकेशंस हैं, 177 कैलिबर, बैरल ट्विस्ट रेट, टोटल वेट। इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, मैंने इसको इसलिए ख़रीदी है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटी है और बहुत ही हल्की है। वेट इज ऑफ द गन, केवल गन की जो वेट है वो 2.3 kg, इट इज़ लाइक यू नो लाइक नथिंग। हम लोग 5 किलो 6 किलो तक के गन को हैंडल करते हैं और कुछ समय के बाद हाथ पैर जो दुखने लगते हैं। सो इट इज़ very small sweet light PCP and we'll see and test it in coming videos ki kaisi iski accuracy aur performance kaisi hai. Aur isme hai stock material beechwood hai, cylinder volume 190 cc, max fuel pressure 300 psi, little less than 200 bar, trigger 2-stage adjustable, safety jo hai yes, trigger blocking, shot single shot and magazine and shot per fill 80 shots। यहाँ पे 80 जो शॉट्स है पर फिल, ये किस पावर लेवल पे आप ट्यून करके रखते हैं इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बीइंग अ वेरी शॉर्ट गन। दिस इज GM10 XS, ऑल द लिटरेचर्स यूड रिक्वायर्ड टू नो अबाउट योर गन। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे या कभी नहीं पढ़ेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं मेन पार्ट की तरफ, मेरा कैमरा उठाइएगा ना।
तो इंतजार की घड़ी, एक्चुअली मैंने भी अभी तक इसे खोला नहीं है और एक महीने हो गए इसको इंट्रांजिट ट्यूनिंग एंड दिस एंड दैट में। सो हियर इट इज। ओह माय गॉड, माय हार्ट इज बीटिंग फास्ट। फर्स्ट, बहुत ही अच्छे कार्डबोर्ड पैकिंग में, दिस इज, इट लुक्स वेरी प्रीमियम, मेड इन इंडिया का जो ये शेर है, और ये मैगजीन हमें मिलती है सेल्फ इंडेक्सिंग मैगजीन है, जैसा कि हमें पी एक्स 100 पे मिलता है, एंड इट इज 10 शॉट नरोटरी मैगजीन। और क्या क्या है इसमें, लेट मी रिमूव द गन। ओके, एंड सुपर इम्पैक्ट, जी स्मिथ के सुपर इम्पैक्ट पैलेट्स मिले हैं मुझे एज ए सैम्पल। बहुत बहुत धन्यवाद गियर की टीम को। नाउ दिस इज अ फुल्ली ब्रास मेड फील प्रोप, इट इज अ थीनर फील प्रोप देन PX 100, सो इन केस इफ यू आर वंडरिंग दैट whether you can use this to this air rifle to PX 100 and vice versa, it is not possible. Very well built, I must say, very well built. There is no rough edges or any kind of finishing related issues. चलिए, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अभी हम को खोलते हैं। द फ्रंट साइड इज लूज, एज यू कैन सी इट इज नॉट फिट इन द गन, एंड ओके माय गॉड, दिस इज ब्यूटी यार। ये जो स्लिंग के सिरल्स हैं, ये मैंने अलग से पे किया था एंड ये स्टॉक नहीं आते हैं, सो इसके लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा एंड देन यू कैन गेट इट डन। इट इज़ नॉट द स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन यू विल गेट व्हाइल बाइंग दिस। दिस इज द गन गाइस। XM10 के जो पुराने मॉडल्स थे उससे ये डिफरेंट इसलिए है, एक तो इसका कलर मुझे अच्छा लगा, ये ब्लैक है, और ये ब्लैक जो है ना वो बहुत चमकीला ब्लैक नहीं है, इट इज़ अ मैट ब्लैक। ओके, इट इज़ अ वेरी मैट ब्लैक, नॉट शाइनिंग एंड सिटी काइंड फिनिश, इट्स अ स्मूथ एंड मैट फिनिश। रबर बट पैड इज गुड, आई कैन सी नो इरेगुलरिटीज इन दिस इन द फिनिशिंग। ट्रिगर सीम्स, ट्रिगर ब्लेड इज वेरी नाइस, एंड वारंटी वाइड इफ प्रोडक्ट इज सर्विस डिसेबल्ड बाई अनऑथराइज पर्सन। ऑब्वियसली अगर आप खुद से उंगली करते हो तो नो बडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड टू माई सरप्राइज, वेन आई बॉट द एयर राइफल देर वॉज नो प्रोविजन फॉर ओपन साइट, बट वेन आई गॉट द एयर राइफल इट हैज़ ओपन साइट। सो अगर गन पे लाइट गन है, अगर इसको लाइट ही रखना है तो मेरी आंखें अच्छी है, आई विल ऑप्ट फॉर ओपन साइट ओनली। सो आई विल रिमूव दिस, आई विल पुट दिस साइट, विल सी हाउ द ओपन साइट वर्क्स। अब आप पूछोगे कि GM10 से ये अलग क्यों है। GM10 से अलग ये है, पहली तो इसकी जो बैरल लेंथ है वो 45mm शॉर्ट है रेगुलर GM10 से, जो इसको और कॉम्पैक्ट करता है। ऑल्दो इसकी एक साइड इफेक्ट ये भी है कि वेलोसिटी इसकी 30-50 FPS उससे कम होगी जो लॉन्गर बैरल होती है, बट मुझे वेलोसिटी के लिए ये चाहिए नहीं थी, मुझे चाहिए थी, मुझे एक लाइट पैकेज चाहिए था, एक स्मॉल पैकेज चाहिए था। दूसरा चीज़ है कि द बैरल आउटर डायामीटर इज 15.5mm, जब ये मोटा बैरल है, बुल बैरल है। इससे पहले के जो भी GM10 इस मॉडल के अलावा जो भी पहले के GM10S या GM10M जो मॉडल्स थे, वो उनकी बैरल 12-13mm की हुआ करती थी,
वो मेरे पास नहीं था, बट मुझे देखना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे याद है 12-13 mm की हुआ करती थी। तो ये बैरल जो है ये हेवी बैरल है। अब हेवी बैरल के क्या बेनिफिट होते हैं? हेवी बैरल जो होता है उसके हारमोनिक्स जो होते हैं बहुत स्टर्डी होते हैं। मतलब जब आप फायर करते हो तो वो जो वाइब्रेशन होती है जब इसमें से पैलेट निकलता है वो बहुत जल्दी बैक टू नॉर्मल होता है, ज़्यादा मास की वजह से, ज़्यादा वेट की वजह से। तो गन में कोई डैमेज नहीं है, गन इज डिलीवर्ड वेरी वेल, पैक्ड, इट वाज पैक्ड वेरी वेल एंड इट्स वेरी लाइट, आई मस्ट से इट इज वेरी लाइट, ओ माय गॉड। कैन यू बिलीव इट द साइज ऑफ दिस थिंग? इट्स अ क्रॉस ओवर बिटवीन फुल लेंथ राइफल एंड द बुलपॉप। यू नो आई कैन, मेरा बेटा इसको बहुत पसंद करेगा। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट। और पावर की बात हो तो पावर यू कैन ट्यून इट अप, तो आप इसको 10-11 फुट पाउंड से लेके 18-19 फुट पाउंड तक कर सकते हैं। अगर आपके पास लीगल फाउंडेशन नहीं है, ये गन बाहर भी इम्पोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, तो ये इतनी छोटा सा, इतना छोटा सा पैकेज 17-18 फुट पाउंड तक ट्यून हो सकता है। तो चलिए पहले इसको हम खोल ही लेते हैं। देखिए इस गन के बारे में मुझे 2-3 चीज़ें, बहुत कम लेस एडवर्टाइज गन है ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं इंटरेस्टेड इसलिए था। एक तो PX-100 के बाद ये पहली गन है जो इंडिया में अभी करेंटली मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, और मेरा रुझान जो है धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू सी एंड यू नो प्रमोट इंडियन मेड एयर राइफल्स, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट यू नो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनीज एंड डीमोटिवेटिंग आवर ओन इंडस्ट्री। तो अगर ये गन डिजर्व करती है साइड बाय साइड कंपैरिजन विथ गन कॉस्टिंग 50-60-70,000 रुपीज, तो दिस इज द बेटर ऑप्शन। एंड विल चेक इन द रिव्यू वीडियो दैट ये गन जो है कहाँ पे अपने आप को स्थापित करती है और कहाँ पे इसकी कुवत क्या है। लुक वाइज द गन इज लुकिंग यू नो सी इट्स अ स्वीट लिटिल लाइट गन and the gun is filled with 150 bar. I will not shoot it in putty and I will set it and I will test it and then I'll make a review video separately. अभी जो first impression मेरा है वो यही है, gun की finishing बहुत अच्छी है। एक pistol grip भी different है, पहले के जो GM10 के वो थे वो pull, they were very thick and you can't hold it, but see the pistol grip एकदम से परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ये बीचवुड है, ज़्यादा इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, लेकिन जो इसकी ब्लैक फिनिशिंग है वो भी मैट डिल डम, मतलब क्या बोलेंगे उसको, डल फिनिशिंग है, वो शाइनिंग नहीं है, और जो डल फिनिशिंग है वही कुछ और अच्छा अपील देती है, मैट अपील देती है। ये बैरल पे भी कुछ लिखा हुआ है, इनका गियर 20 M4G GM10 XS, और देख रहे हैं ये इसका सेक्सी लुक, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। आजकल के जो नए कुछ वेपन्स आ रहे हैं उसमें ऐसे ही रहते हैं, एवेंजर वगैरह आप देखेंगे एडवेंचुरी के तो वो भी ऐसे ही। सो विल सी दैट हाउ इट डज इन द रेंज एंड इसकी एक्यूरेसी क्या है। अगर एक्यूरेसी अगर अच्छी है इस गन की 50 yards पे, सो अगर 50 yards पे अंडर 1 inch है अगर ये गन, तो इस प्राइस रेंज में, हाँ आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस द गन इज चीपर देन PX-100 एंड यस इट इज़ ट्रू, ये PX-100 से चीपर गन है, बट अगर ये PX-100 के साथ अगर कम्पीट कर जाती है 50 yards तक एक्यूरेसी में, then I will suggest you guys to go for it, because PX-100 it has very good barrel, superb accuracy,
एंड इट्स यू नो टाइम टेस्टेड. मैंने आप TX100 के कोई भी देख लो, इट इज़ नॉट पैलेट फसी. आप कोई भी पैलेट डालो, इट विल गिव यू अ बेटर एंड बेस्ट एक्यूरेसी अप टू 50-60-70 यार्ड्स. फिनिशिंग में दिस गन इज वेल फिनिश्ड, और जो फिनिशिंग है इसकी वो PX100 से किसी भी मामले में इंफीरियर नहीं है. मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, बट जितना मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी इसकी इसकी जो फिनिशिंग है वो PX100 प्रेसी होल की फिनिशिंग से इंफीरियर नहीं है. सेकेंड थिंग इज दैट कि प्राइस इसकी PX100 से कम है, और आप अपनी ये भी इंडियन मेड एयर राइफल है, और देखते हैं अगर ये गन अगर एक्यूरेसी पार्ट में अगर PX100 से कम्पीट कर लेती है तो ये उससे चीपर और बेटर ऑप्शन है अपने अपने लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए. सो वी विल सी इन कमिंग वीडियोस. स्टे ट्यून और सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, और फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस इन नेक्स्ट.